हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप अपने फ़ोन से पीडीएफ कैसे बना सकते हो। जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो बच्चे का या फिर आपका कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट हो जिसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो। और दोस्तों, पीडीएफ बनाने के लिए आपको कोई अदर एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ही है। तो चलिए, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में ड्राइव को ढूंढ लेना है। ये एप्लीकेशन गूगल की अपनी है जिस पर हम पीडीएफ बनाएंगे। तो चलिए, ड्राइव को हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रायंगल शेप में होती है एप्लीकेशन, इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। अब इसे ओपन करते हैं। दोस्तों, ऐप ओपन होते ही इस तरह देखिए, इस तरह इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। नीचे देखिए प्लस का एक निशान होगा, सिंपली आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। प्लस पर अगर वहाँ देखिए बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फोल्डर अपलोड। यहाँ पर देखिए स्कैन का ऑप्शन होगा, सिंपली वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। स्कैन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कोई भी कैमरे का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो चलिए मैं कैमरा चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ से आपको एक जो भी आपको डॉक्यूमेंट है उसकी एक फ़ोटो ले लेनी है। तो चलिए मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। तो उस तरह फ़ोटो क्लिक, और अच्छी बात यह है कि अपने आप ये फ़ोटो क्लियर कर देता है। देखिए फ़ोटो तरह से इनहेंस कर देता है। और देखिए यहाँ पर एक नीचे एक फ़िल्टर का ऑप्शन भी, यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट कलर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं नॉर्मल पे कलर से चूज़ कर रहा हूँ, नन पे कर देता हूँ। इसके बाद आपको सिंपली इसको सेव कर देना है। चलिए सेव कर देते हैं। जो सेव करने के बाद ना इस तरह के घंटे बजे को मिल जाता है। यहाँ पर आपको नीचे देखिए एक लोकेशन पे आपको इस पीडीएफ का नाम चेंज कर सकते हो वहाँ से अगर चाहो तो। और जहाँ पे आपको लोकेशन सेव करनी है वहाँ भी सेव कर सकते हो, ड्राइव के अंदर भी होगी इसे भी। और यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी देखने को मिल जाती है। चलिए इसे हम सेव कर देते हैं। जैसे हम सेव करते हैं, दोबारा आपको इतनी करके उसमें चले जाना। यहाँ देखिए आपकी जो पीडीएफ है वहाँ पर अपलोड हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ भी आप उन्हें सेव करिए उस ड्राइव में, वहाँ पे आपको आपको सर्च कर लेते। तो देखिए मैम पीडीएफ बन चुकी है मेरी, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो उस तरह पीडीएफ मेरी बन चुकी है, और ऊपर जाकर थ्री बटन में जाके इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम डाउनलोड करेंगे इसको, तो रिपीट कर लेते हैं, एक बार आपको दिखाता हूँ साइड डाउनलोड हो चुकी है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे करके हम दिखा भी देता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। चलिए एक बार इसे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एक स्कैन आपको देखने को मिल जाती है। तो जैसे मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो उस तरह की मेरी पीडीएफ यहाँ बन चुके, तैयार हो चुके। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी बस लाइक करो, वीडियो को जितना हो शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।